इनवॉइस के अंदर ये 17 चीजें मस्ट है, आप और इससे ज्यादा बढ़ा सकते हो, 18, 19, 20, 21 कर सकते हो। कोई उसमें अपना ब्रांड नेम यूज करेगा, कोई उसके अंदर लोगो डाल सकता है, फॉर्मेट आप कुछ भी यूज करो, पर ये 17 चीजें तो आपकी चाहिए चाहिए। अब ये कौन कौन सी 17 चीजें, वो एक 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 हम देख लेंगे। नंबर वन, नेम एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर। नाम, ये जो ए है, ए का नाम, उसका एड्रेस, उसका जीएसटी नंबर टैक्स इनवॉइस पे चाहिए। नीचे सीरियल नंबर, कॉन्जुगेटिव सीरियल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसा नहीं चलेगा कि 1, 2, 3, 4, 9, 10 बीच में भी गायब, ऐसा नहीं कर सकते। और हर साल के लिए वो यूनिट चाहिए, अप्रैल से लेके मार्च तक आपके इनवॉइसेस इशू हुए, मान लो 10,000 इनवॉइसेस इशू हो गए, फिर एक अप्रैल से एक नंबर आपने चालू कर दिया, वैसा नहीं चलेगा। एक अप्रैल से भी करोगे तो उसको आपको 18-19 चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक नंबर हर साल का रहेगा, हर महीने आप नंबरिंग चेंज करेंगे 1 to 100, फिर नया महीना आ गया फिर 1 to 100, तो ऐसा चलेगा नहीं। तो यूनिक नंबर चाहिए। फिर डेट ऑफ इट इश्यू, तो डेट तो रहेगी। देन नेम एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द रेसिपिएंट, सामने वाले का भी नाम पता और जीएसटी नंबर टैक्स इनवॉइस पे चाहिए। ये क्यों चाहिए, सामने वाले का जीएसटी नंबर क्यों चाहिए, आईटीसी के लिए, क्योंकि इनवॉइस इज लाइक अ चेक। आप किसी को चेक देते हो तो उसका नाम डालते हो कि नहीं डालते, उसी के खाते में वो पैसा जाता है कि नहीं आता है। तो टैक्स इनवॉइस इशू करने के बाद इसका आईटीसी किसको मिलेगा, उसके लिए ये। अगर नंबर गलत हो गया और ये हिसाब से रिटर्न चले गए, फिर रिटर्न रिवाइज होते नहीं, जीएसटीआर 1 में इजीली अमेंडमेंट्स होती नहीं, फिर वो गलत आईटीसी चला जाता है, फिर चेंज करो, ये बहुत इश्यू आगे आता है। बाद में नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलोंग विद द नेम ऑफ स्टेट और कोड, ये क्यों चाहिए, स्टेट का कोड और नेम, आईजीएसटी लगाना है या प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई इनवॉइस से ही मालूम होना चाहिए कि मेरा स्टेट कौन सा है और तुम्हारा स्टेट कौन सा है, तो वो भी वहां पे डालना जरूरी है। नीचे क्या दिया है, एफ के अंदर, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 50,000 rupees एंड द रेसिपिएंट रिक्वेस्ट दैट सच डिटेल बी रिकॉर्डेड इन टैक्स इनवॉइस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी अलोंग विद द नेम ऑफ द स्टेट इफ सच recipient is unregistered and where the value of the taxable supply is less than 50,000। इसको underline कर लो। 50,000 के नीचे अगर value है tax invoice की, तो सामने वाले का name, address, state ये optional रहेगा। आपने डाला ठीक है, नहीं डाला ठीक है। पर 50,000 के ऊपर वाला tax invoice है, भले ही वो अनरजिस्टर्ड बंदा हो, बात ध्यान से सुन लो, भले ही सामने वाला अनरजिस्टर्ड हो, 50,000 के ऊपर का टैक्स इनवॉइस इश्यू हो रहा हो, तो नेम, एड्रेस, स्टेट, प्लेस ऑफ डिलीवरी ये कंपलसरी है। अब अपने कई बार अपन दुकान में जाते हैं, कैश मेमो लेते हैं, अपन जाते हैं 1,000 रुपए 2,000 रुपए, आप कपड़े खरीदने को जाते हो क्लोजोन के अंदर, आपका नाम वाम पूछता है क्या, हो एड्रेस वेड्रेस पूछता है क्या, हो नहीं पूछता, क्यों नहीं पूछता, URDA पर क्यों नहीं पूछता, ये रूल है वो, क्योंकि 50,000 के नीचे का माल आपने खरीदा। आप वो एक टीवी खरीदो 75,000 की टीवी, वो पूरा नाम पता पूरा लिख के लेगा आपका,
क्यों? क्योंकि माल कितने का हो गया ये 50,000 के ऊपर का। और ये चीजें अपने को क्यों ध्यान में रखना है? क्योंकि आपके पास में क्लाइंट्स आएंगे, आप कहीं जॉब पे जाएंगे, कहीं इनवॉइसेस इशू करने का काम पड़ेगा, सामने वाले को बताना पड़ेगा कि भैया ध्यान रखना 50,000 के ऊपर अगर जा रहा है तो सामने वाले का नेम एड्रेस पता चाहिए, नहीं तो ये टैक्स इनवॉइस इशू गलत हो जाएगा, पेनल्टी और बाकी सब चीजें किसको लगेगी? अपने को लगेगी, वो तो यूआरटी है सामने वाला, वैसा ही उसका पता नहीं है उसको पेनल्टी लगा ही नहीं सकते जी। HSN कोड इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, 1.5 करोड़ के नीचे HSN कोड जरूरी नहीं है, इसका सर्कुलर बाद में आया पर वो सर्कुलर का मतलब नहीं रहा, क्योंकि 50,000 के ऊपर अगर कोई भी टैक्स इनवॉइस जाता है तो ईवे बिल इशू करना जरूरी है। फिर इंटरस्टेट के लिए 1,00,000 रुपए की भी लिमिट्स कर दिए थे बाद में, तो ईवे बिल अगर बनाना है तो HSN कोड जरूरी है, और 1.5 करोड़ के टर्नओवर वालों को HSN कोड जरूरी क्या मतलब रहा है? तो ईवे बिल अगर बनाने हैं तो HSN कोड मस्ट हो रहा है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस कि कौन सा माल है, क्या सर्विसेस है, फिर क्वांटिटी, फिर टोटल वैल्यू, वैल्यू के अंदर डिस्काउंट वगैरह अबेटमेंट कुछ है तो, फिर रेट ऑफ टैक्स CGST, SGST, IGST 5%, 12% जो भी आएगा, फिर अमाउंट, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, इंटरस्टेट है क्या इंट्रास्टेट है वो भी उसमें चाहिए, एड्रेस ऑफ डिलीवरी ये भी चाहिए, एड्रेस ऑफ डिलीवरी एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट में भी डिफरेंट। मैं बाजार अड्डे हूँ औरंगाबाद में हूँ, मैंने इनवॉइस यहाँ पे मंगाया पर उसको डिलीवरी बोला नागपुर को दे मेरे ब्रांच के ऊपर, तो एड्रेस ऑफ डिलीवरी क्या रहेगा? पर इनवॉइस किसके नाम से इशू होगा तो वो दोनों में डिफरेंस रह सकता है। वेयर द टैक्स इज पेएबल ऑन रिवर्स चार्ज तो वो भी मेंशन चाहिए, अगर आपने खुद ने इनवॉइस इशू किया है तो उसके ऊपर चाहिए कि टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज। फिर डिजिटल सिग्नेचर, ये थोड़ा सा अभी मैंडेटरी उन्होंने ई इनवॉइसिंग वालों के लिए किया है, अदरवाइज जो भी मैनुअल इनवॉइसेस इशू है तो खुद की साइन रखना जरूरी है ऑथराइज सिग्नेटरी की, तो ये सारी चीजें यहाँ पर चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है GST नंबर ऑफ द सेलर एंड द रेसिपिएंट, क्योंकि GST नंबर अगर गलत हो गया तो क्रेडिट मिलने को तकलीफ होती है। देन नेक्स्ट जो यहाँ पर दिया है कि HSN कोड जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, वो हिसाब से देना है, उसका कोडिफिकेशन सिस्टम है वो हिसाब से HSN कोड देना है। सर्विसेज के केस में SAC कोड रहता है वो देना है, सर्विस अकाउंटिंग कोड। और ये जो भी इनवॉइस इशू किए जाएंगे ये हर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर इशू करना है। यहाँ पर एक आखिरी में पैरा दिया है, Provided further that where a invoice is issued, required to be issued under clause F3 of 31, a registered person may issue a consolidated tax invoice at the end of the month of the supplies. यानी continuous supply है, आज 10 लीटर का ऑयल मिला, कल 5 लीटर का मिला, बाद में 4 लीटर का मिला, तो महीने के आखिर में टोटल करके मेरे को एक इनवॉइस इशू हो सकता है। आपने महीना भर मोबाइल पे बात किया, जो भी टोटल आएगी उसका महीने के बाद में कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू हो जाएगा। नीचे ये दिया है कि SEZ वालों को, UU वालों को क्या लिखना है टैक्स इनवॉइस के अंदर, वो भी नीचे उन्होंने दे दिया है कि ये वर्डिंग्स उनके चाहिए। फिर बाद में जो भी टैक्स इनवॉइस इशू किया जाएगा ये केस में नीचे दिया है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट The registered person may not issue a tax invoice in case the recipient is not registered and the recipient do not require the invoice. ये किसके केस में दिया है? ये भी continuous supply वगैरह केस के अंदर, जैसे अपना टेलीफोन का बिल वगैरह आएगा, आप अनरजिस्टर्ड हो, आपको ITC नहीं लेना है तो आपको टैक्स इनवॉइस को इशू भी नहीं कर सकता। ये क्यों डाला उन्होंने? टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया तो सामने वाले को ITC मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आप अनरजिस्टर्ड हो, आपको ITC वैसे भी मिलने वाला नहीं है, सो देयर इज अ ऑप्शन
या आप अनरजिस्टर्ड रहने के कारण आपको टैक्स इनवॉइस नहीं देना, पर वो क्लॉज बी 3 ऑफ 31 के केसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। बाद में आया है 46A रूल, ये है टैक्स कम बिल ऑफ सप्लाई। ये क्यों इशू होगा टैक्स कम बिल ऑफ सप्लाई? अब हर बार आप बोलोगे सर आप क्लोजर में ही जाते हो, कोई दूसरी किराना दुकान मिलती नहीं क्या? चलो कौन सी किराना दुकान में जाना है आपने? जो भी आपके गली के कॉर्नर वाली किराना दुकान है, वहां पे जाके आपने 10 आइटम खरीदे, उसमें के 4 टैक्सेबल थे और 6 एग्जम्प्ट थे, तो वो क्या करेगा? 4 का टैक्स इनवॉइस देगा और 6 का बिल ऑफ सप्लाई देगा क्या? नहीं, तो एक नया प्रोविजन आ गया कि टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। भैया आपने 4 टैक्सेबल आइटम लिए, 6 एग्जम्प्ट आइटम लिए, 10 का बिल एक ही बनेगा, ऊपर क्या लिखे आएगा? टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। बाद में 47 नंबर का रूल है, वो है टाइम लिमिट फॉर इश्यूएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस, ये ऑलरेडी अपन ने कवर कर चुके हैं। देन 48 नंबर का रूल है मैनर ऑफ इश्यूइंग इनवॉइस, ये कैसे इशू करना है, कितने इशू करना है उसका भी दिया है, तो 3 कॉपीज इशू करना है टैक्स इनवॉइस के, यहां पर दिया है ओरिजिनल कॉपी फॉर द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट मतलब जो खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि उसके बेसिस पे वो टैक्स ITC लेगा। दूसरा कॉपी जो रहेगा ट्रांसपोर्टर के लिए, अगर ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है, गुड्स यहां से वहां लेके जाना है, तो किसके लिए देंगे आप दूसरा कॉपी? ट्रांसपोर्टर। और तीसरी कॉपी ये खुद के लिए, तो ओरिजिनल डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट ये चीज वो टैक्स इनवॉइस पे लिख देना और वो सामने वाले को हैंड ओवर कर देना। अगर ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व नहीं है तो ये केस में क्या होगा? ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट, यानी 2 कॉपीज टैक्स इनवॉइस के इशू करना जरूरी है। फिर ये जो भी टैक्स इनवॉइस इशू होंगे वो सीरियल नंबर से GSTR 1 के अंदर अपलोड करना है। 49 नंबर का रूल है बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करता है? कंपोजिशन डीलर और एग्जम्प्ट वाला, गुड्स बेचने वाला पर्सन। अनरजिस्टर्ड बंदा बिल ऑफ सप्लाई इशू कर नहीं सकता, कौन करता है वो? एग्जम्प्ट एंड कंपोजिशन। तो बिल ऑफ सप्लाई के अंदर क्या मालूमात रहनी चाहिए वो उन्होंने यहाँ पे दिया है, ABCDEFGH यहाँ पे उन्होंने रोक दिया, टैक्स नहीं है इसके अंदर, टैक्स का रेट नहीं है, टैक्स का अमाउंट नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू नहीं है, तो इसके वजह से यहाँ पर वो चीजें उड़ गई, और जो पहले हमने 17 चीजें देखी थी उसमें से टैक्स रिलेटेड चीजें निकल गई, प्लेस ऑफ सप्लाई वगैरह सब निकल गया, स्टेट कोड वगैरह। नीचे दिया है 50 नंबर का रिसिप्ट वाउचर, अब ये क्या है रिसिप्ट वाउचर? पैसे मैंने दिए तो पैसों की रिसीप्ट, तो वो रिसिप्ट का दिया है, और रिसिप्ट वाउचर रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ 3 ऑफ 31 शैल कंटेन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, मैंने पैसे दिए एडवांस तो मुझे क्या देना चाहिए सामने वाले ने? रिसिप्ट वाउचर। अब गुड्स के एडवांसेस पे टैक्स लगता है क्या अभी? पर सर्विसेज के एडवांसेस पे लगता है तो कितना टैक्स मेरे से लिया उसने वो कहां से पता चलेगा मुझे? तो रिसीव वाउचर के अंदर उन्होंने ए से लेके के तक ले लिया है, और यहाँ पे जी एच और आई देखो, आप जी में दिया है रेट ऑफ टैक्स, एच में दिया है अमाउंट ऑफ टैक्स। अब ये रिसीव वाउचर के बेसिस पे मुझे ITC मिलेगा क्या? एडवांस मैंने दे दिए 50,000 रुपया, सामने वाले ने मुझे रिसीव वाउचर दे दिया, उसने उसके ऊपर टैक्स लगा के दे दिया, मुझे ITC मिलेगा क्या? ITC कब मिलेगा? When the goods are received, when the services are provided, advance के ऊपर ITC मिलेगा नहीं, पर advance पे tax services के केस में भरना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा difference है, थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि receipt voucher में tax दिख जाएगा, tax दिखते ही आप क्या बोलेंगे? ITC ले लो, पर वैसा नहीं होगा। फिर 51 नंबर का है रूल रिफंड वाउचर,
रिफंड वाउचर, पैसे वापस दे दिए तो वो क्या देगा अपने को? रिफंड वाउचर। उसके अंदर भी अमाउंट ऑफ रिफंड, टैक्स वगैरह, तो टैक्स के साथ पैसे वापस दे रहा है तो वो रिफंड। कभी कभी हो जाता है कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो पैसे वापस दे देता है। तो इस केस में कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करना है? रिफंड वाउचर। नेक्स्ट है 52, पेमेंट वाउचर। तो नॉर्मल सी के अंदर पेमेंट दिया तो पेमेंट वाउचर उसमें इशू कर सकते हैं क्लॉज जी के हिसाब से। रूल 53 है रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस कौन इशू कर सकता है? जो पहली बार रजिस्टर हो रहा है, जिसको रजिस्ट्रेशन को थोड़ी देरी हो रही है, तो ये रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस दे सकता है। बाकी हमने देखा अगर हमको वैल्यू चेंज कम ज्यादा करनी है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट या डेबिट नोट। तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट का भी फॉर्मेट दे दिया, वो फॉर्मेट के अंदर भी उन्होंने सब लिख के दे दिया है कि आपको क्या क्या इसमें देना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस नंबर। जिसके अगेंस्ट आप क्रेडिट नोट दे रहे हो वो 1,00,000 रुपए का जो टैक्स इनवॉइस था उसका नंबर है। जिसके अगेंस्ट आप डेबिट नोट दे रहे हो वो ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस था उसका नंबर। और बाद में थोड़ा छूट भी दे दी उन्होंने कि क्रेडिट नोट डेबिट नोट अगर कंसोलिडेटेड इशू कर रहे हैं। कई बार कंपनीज के केस में क्या होता है कि महीने भर में आप माल खरीदो, महीने के आखिरी में हम डिस्काउंट देंगे, तो महीने भर में खूब सारे इनवॉइसेस इशू होते हैं, 100-200 इनवॉइसेस इशू हो गए। और क्रेडिट नोट कौन सी इशू होगी? एक कि आपने महीने भर में 1,50,000 का माल खरीदा, उसके ऊपर इतना डिस्काउंट। अब ये 1,50,000 के लिए 100 इनवॉइस होंगे उसके, तो हर इनवॉइस का नंबर लिखते नहीं बैठेगा, तो वो भी थोड़ी छूट आप आ रही है कि आपको सारे नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं, आप कंसोलिडेटेड क्रेडिट नोट दे सकते, डेबिट नोट भी दे सकते हैं। फिर बाद में रूल 54 है टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल केसेस। ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में है, ये हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बाद में रूल 55 है, ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विदाउट टैक्स इनवॉइस, यानी गुड्स की मूवमेंट करनी है विदाउट टैक्स इनवॉइस। ये कब होगा विदाउट टैक्स इनवॉइस? जब कंटिन्यूअस सप्लाई है, पाइपलाइन से पानी अपने घर पे आता है, कंटिन्यूअस सप्लाई है, तो टैक्स इनवॉइस इश्यू होगा क्या उसका? नहीं। हाँ, अगर गैस, बॉम्बे में अगर आपने देखा होगा गैस से, गैस कैसे आ रहा है? पाइपलाइन से, तो उसके लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है। फिर इन्होंने यहाँ पे डिलीवरी चलन का भी फॉर्मेट दे दिया है, रूल 55 के अंदर डिलीवरी चलन दिया है कि आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, अदर देन सप्लाई है और मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, तो ये केस में क्या होगा इशू? डिलीवरी चलन। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है रूल 55, इसको आप स्टार मार्क कर लो। अगर सप्लाई नहीं है और मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है तो क्या होगा? डिलीवरी चलन। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है डिलीवरी चलन का? मैंने जॉब वर्क के लिए दिए गुड्स, मैं बेच रहा हूं क्या जॉब वर्कर को? तो मैं क्यों दे रहा हूं उसको गुड्स? फॉर जॉब वर्क। तो जॉब वर्क पे जब मैं गुड्स दूंगा तो मैं डिलीवरी चलन बना के दूंगा। और डिलीवरी चलन का फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो सरप्राइजिंगली इट इज सेम एज टैक्स इनवॉइस, सिर्फ नाम क्या आ रहा है उसका? वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर वो गुड्स वापस नहीं आए साल भर के अंदर जॉब वर्क के, तो वो जब आपने माल दिया था उस डेट का अमाउंट ऑफ टैक्स भरना पड़ेगा, तो कितना वैल्यू है, कितना रेट ऑफ टैक्स है, ये सब उसमें लिखना पड़ता है। तो डिलीवरी चलन का फॉर्मेट जो है ये एज गुड एज टैक्स इनवॉइस है। और आखिरी रूल है 55A, टैक्स इनवॉइस और बिल सप्लाई टू अकंपनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये कंपलसरी कर दिया है कि टैक्स इनवॉइस हो, बिल ऑफ सप्लाई हो, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रही है तो साथ में चाहिए। उसके बेसिस पे ई वे बिल भी जनरेट होता है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा।